हेलो इंदुस प्रेम भैया, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के प्री बोर्ड एग्जाम में आने वाले श्योर 30 क्वेश्चंस के बारे में। ये वो श्योर 30 क्वेश्चन है भाई, जिनकी 100% गारंटी रहती है कि तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में आने ही आने, हर साल वो आते हैं। अगर अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना भाई मैथमेटिक्स के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले तुम ये श्योर 30 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स में से 70 मार्क्स सिर्फ ये श्योर 30 क्वेश्चन ही आते हैं प्री बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा ये श्योर 30 क्वेश्चन कर लो, 80 में से 70 मार्क्स तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। जो टॉपर बच्चे होते हैं वो सबसे पहले पूरा सिलेबस नहीं करते, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके 100% गारंटी रहती है कि प्री बोर्ड एग्जाम में छपने वाले। पहले वो 80 में 70 मार्क्स अपने कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद 10 मार्क्स के इधर-उधर एक क्वेश्चन लगाते हैं। मैं भी चाहता हूं यार कि तुम्हें भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके 80 में 70 मार्क्स के डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें पहले पता चल जाए, तुम उनको पहले करके रख लो, बाद में तुम इधर-उधर एक क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि प्री बोर्ड में अभी इतना टाइम नहीं बचा है भाई कि तुम इधर-उधर एक क्वेश्चन करो, उतना समय नहीं है अभी, टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। तुम पहले सबसे पहले वही 30 क्वेश्चन करो, क्योंकि तुम्हारे प्री बोर्ड में आने के लिए बिल्कुल कंफर्म है। तुम्हें इतना अगर कर लोगे 70 आउट ऑफ 80 कंफर्म हो जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूं सबसे पहले तुम्हारा 70 मार्क्स कंफर्म हो जाए 80 में से, उसके बाद तुम इधर उधर क्वेश्चन करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले 70 मार्क्स अपने सिक्योर करो जो तुम्हारे प्री बोर्ड में 100% छपने वाले। कैसे छपने वाले? सबसे पहले अगर बात करते हैं मैथमेटिक्स सीओ 30 क्वेश्चन जो प्री बोर्ड एग्जाम में आने वाले, तुम्हारा स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, सबसे पहले तुम दिमाग लो, सबसे पहले दिमाग की चीज करो, क्योंकि मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस है भाई, मैं जो बताऊंगा पेपर 100% आएगा। थोड़ा सा भैया पर ट्रस्ट करना, 100% पेपर में वो चीज आएगा। देखो तुम्हारे सिलेबस में, पूरे सिलेबस में टोटल 800 क्वेश्चन है, टोटल 800 क्वेश्चन है प्री बोर्ड में, तुम्हारा मैक्सिमम सिलेबस 100% सिलेबस ही आने वाला, सारे चैप्टर आने वाले, टोटल 800 क्वेश्चन आने वाले। इन 800 क्वेश्चन में से श्योर 30 क्वेश्चन अलग हो जाएंगे और 770 क्वेश्चन अलग हो जाएंगे। इन 800 को 770 और श्योर 30 में अलग बांट लो, 80-20 रूल लगा के, क्लियर वाली बात है। अब इन 770 क्वेश्चन में से सिर्फ 10 नंबर का पेपर आता है, बाकी ये जो 30 क्वेश्चन है इनको हमें पकड़ना है। इन 30 क्वेश्चन में से 80 में 70 नंबर का पेपर आ रहा होता है, इनको हमें पकड़ना है। ये मेन 30 क्वेश्चन है जिनसे 80 में 70 मार्क्स का पेपर आता है, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में, और बाकी के 770 क्वेश्चन जो फालतू क्वेश्चन है उससे सिर्फ 10 नंबर का छोटा सा पेपर आता है। इसलिए सबसे पहले हम यही 30 क्वेश्चन को पकड़ेंगे जिनसे 80 में 70 मार्क्स का मैक्सिमम पेपर आ रहा होता है, जिनको करने के बाद बिल्कुल तुम टॉपर बन जाओ, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। इतना अगर तुम कर लोगे भाई, ये 30 क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे, मेरी इस बात की गारंटी भाई, 80 में 70 मार्क्स तुम्हारे सबसे पहले कंफर्म हो जाएंगे। तुम्हारे क्लास का टॉपर जो है वो पीछे हो जाएगा, तुम क्लास में अपने आगे हो जाएंगे, जो कि मेरी गारंटी है। अभी तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा, फिर भी मैं गारंटी लेता हूं मैथमेटिक्स में यार 70 मार्क्स इतना करने के बाद तुम्हारे कंफर्म है, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। बस अपने भैया पर थोड़ा ट्रस्ट करना, मेरी इस बात की गारंटी। इन क्वेश्चनों करने के बाद ना तुम्हारे मैथमेटिक्स के प्री बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम 75 प्लस आ ही रहेंगे, 100% गारंटी है, ठीक है। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने प्री बोर्ड एग्जाम के श्योर 30 क्वेश्चन पे। 80 में से 70 मार्क्स के तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में यही श्योर 30 क्वेश्चन आने वाले, इस बात की गारंटी है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, अगर तुमने ये श्योर 30 क्वेश्चन भी कर लिए, 80 में 70 मार्क्स तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे। लकी रहे तो भाई उससे भी ज्यादा, 80 मार्क्स 80 में 75 कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन भाई अगर तुमने अगर ये क्वेश्चन गलती से मिस कर दिया, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, तुम पेपर देने के आके, पेपर देके आने के बाद तुमने रिग्रेट करोगे ये वीडियो देख के कि मैंने भैया की बात क्यों नहीं मानी। तो तुम सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से करना, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। थोड़ा सा अपने भैया पर थोड़ा सा ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में आने वाले। तुम पेपर देके आना, फिर मैच कर लेना, तो तुम सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। मैं नहीं चाहता यार तुम पेपर देके आओ, उसके बाद ये वीडियो देखो चेक करने के लिए, उसके बाद जाकर तुम रिग्रेट करोगे भैया मैंने भैया की बात पहले क्यों नहीं मानी। तो सिर्फ 30 क्वेश्चन है, अच्छे से तुम इसको कर लेना, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं यार। तुम अपने क्लास के टॉपर से आगे नहीं निकल गए, तब तुम मेरे को आके कमेंट करना कि भैया नहीं निकला मैं आगे, गारंटी के साथ बता रहा हूं, बहुत एक्सपीरियंस है, हमने इसको खोजा, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। बस तुम इतना कर लो, बिल्कुल तुम टॉपर बन जाओगे, बिल्कुल बेफिक्र होकर एग्जाम देके आना, क्लियर वाली बात है। शुरू से लेकर अंत तक जा मेरा ना वीडियो में, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, बिल्कुल तुम टॉपर बन जाओगे, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग चैप्टर वाइज करके देखेंगे, रियल नंबर पॉलिनोमियल एक एक चैप्टर करके देखेंगे, सारे चैप्टर हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे, टोटल 14 चैप्टर कवर करेंगे, चैप्टर वाइज करके देखेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और 30 क्वेश्चन डंकी की चोट पे बोल रहा हूं, 30 क्वेश्चन करने के बाद ना तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे और तुम आगे हो जाओगे, ठीक है। हम चलो चैप्टर वाइज करके देखेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो तुम्हारा रियल नंबर। अब हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जो हमारा रियल नंबर, रियल नंबर तुम्हारा 6 नंबर का आएगा प्री बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला क्वेश्चन तुम्हारा प्रूव दैट रूट 2 रूट 3 रूट 5 इज इरेशनल। भाई साहब छप गया 110 पॉइंट गारंटी भाई, ये क्वेश्चन तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में तुम्हें छपा हुआ नजर आ रहा होगा। 3 नंबर अभी अपने कंफर्म करा लो, कॉपी में लिख लो कि 3 नंबर तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में आ गए। ये क्वेश्चन ना आए ना प्री बोर्ड एग्जाम में, ऐसा हो नहीं सकता, हर साल प्री बोर्ड में आता है। तो ये 3 नंबर का तुम सिर्फ उसको रट लो भाई, कि ए बाई बी के फॉर्म में करके कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग बता देनी, ये तुम रट लोगे, रूट 2 आएगा या रूट 3 आएगा, रूट 5 एक भी कर लोगे, तीनों कर लोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये आना ही आना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। पहला ये क्वेश्चन, दूसरा अगर ये नहीं आता, ये वाला क्वेश्चन आता प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ए बाई बी के फॉर्म में कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग बता देनी है, रैशनल अलग इरेशनल अलग, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये दोनों क्वेश्चन ना भाई पेट क्वेश्चन है, ये 100% गारंटी कि तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिन के 30 बताऊंगा, पहले 2 हो गए, ठीक है, क्लियर वाली बात है। इतना अगर तुम कर लोगे बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तुम कॉपी में नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा जो आएगा एससीएफ एलसीएम, इसमें जनरली एससीएफ
एलसीएम से क्वेश्चन जनरली आएगा, नहीं आए तब तुम बताना एससीएफ या एलसीएम। क्लियर वाली बात है। इसमें तुम्हारा आएगा कि देखो नेव पैटर्न का क्वेश्चन है, द एससीएफ ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इज इन द फॉर्म ऑफ 85m माइनस 238, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का तुम्हें क्या करना है, एससीएफ बोल रहा है, इन दोनों का एससीएफ निकाल के इसके बराबर कर देना है और m की वैल्यू निकालना है, बस उतना ही करना है। ये तुम्हारा एससीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट सैंपल वाला क्वेश्चन है, इस बार आने ही आ रहा है, इसको तुम अच्छे से कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज तुम्हारी क्या आई, फाइंड एलसीएम एंड एससीएफ, फाइंड एससीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, छप गया 100 पॉइंट गारंटी भाई, ये क्वेश्चन ना ऐसा हो नहीं सकता। एलसीएम एससीएफ तुम मेरे से अभी लिखवा के रख लो, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर ये क्वेश्चन ना आए पेपर में, तो गारंटी के साथ बता रहा हूं, तुम पेपर देके आना फिर मेरे को बताना, एससीएफ एससीएम आराम से आएगा। ये चार क्वेश्चन तुम कर लेते हो, रियल नंबर खत्म, इससे बाहर पेपर आने के चांसेस बहुत कम है, एमसीक्यू बनेंगे, एलसीएम एससीएफ से बनेंगे, एलसीएम एससीएफ निकाले सीख गए, हो गया काम। क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारा रियल नंबर खत्म, और इससे तुम्हारा क्वेश्चन आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला रहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एससीएफ ऑफ एबी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ एबी, मतलब कि ए इनटू बी इज इक्वल टू एससीएफ ऑफ एबी इनटू एलसीएम, ये फॉर्मूला तुम याद करके रखना, कॉपी में नोट कर लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग आते हैं सेकंड चैप्टर पे, सेकंड चैप्टर है तुम्हारा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें तुम्हारा क्या 7 मार्क्स का आएगा तुम्हारा टोटल प्री बोर्ड एग्जाम, इसमें तुम्हारा दो ही क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन, पहला तुम्हारा अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन बनेंगे, दूसरा तुम्हारा जीरोस निकालने बोलेंगे, जीरोस या अल्फा बीटा, इसके बाहर इसमें क्वेश्चन नहीं आता, गारंटी के साथ डंके की चोट पे बोल रहा हूं, ये जीरोस निकाल लोगे अल्फा बीटा का लोगे महारत हासिल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, गारंटी के साथ बता रहा हूं क्या आने वाला। अब इसमें तुम्हारा क्वेश्चन आएगा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिया देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल खोजने बोल रहा है, हु जीरोस आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सिर्फ अल्फा बीटा से ही ये लोग खेलेंगे कि बच्चा डर जाए, डरने की बात नहीं है भाई, अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन तुम कर लोगे, ये दो क्वेश्चन तुम कर लोगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, ये दोनों कर लो किंग बन जाओगे, ठीक है। अब अल्फा बीटा तुम्हें कैसे निकालना, इनके जीरोस निकाल लेने, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का पॉलिनोमियल खोज देना इन तीनों फॉर्मूला से, ये तीनों फॉर्मूला मेन इनको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। उसका तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अब बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, छप गया पेपर है भाई, बोर्ड में आने वाले, ये बोर्ड में आने वाले, स्टैंडर्ड हो या बेसिक, बेसिक वाले भी देख रहे हैं, स्टैंडर्ड के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट है, और नीचे स्टैंडर्ड वाला, नीचे वाला जो काला वाला है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए वीडियो है, अच्छे से करना भाई सारे क्वेश्चन, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, प्री बोर्ड का पेपर में चांसेस रहते हैं कि एक ही पेपर बने जो स्टैंडर्ड का हो, बेसिक को भी वही वाला देना पड़ता है। क्लियर वाली बात है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे, ठीक है। तो दूसरा तुम्हारा क्या है कि अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स, मतलब कि वैल्यू निकालनी है अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स की, मतलब 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा की वैल्यू निकालनी है। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है, अभी तुम्हारा सबसे ट्रेंड में चल रहा है, कि तुम्हारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हैविंग जीरोस, हैविंग जीरोस, दो जीरोस दे देंगे, ये वाला आगे वाला, इन दोनों को अल्फा बीटा मान लेना। अब बोरा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल खोजना, अल्फा बीटा मान के ये तीनों फॉर्मूला पुट करके आराम से निकालोगे, तीनों फॉर्मूला तुम लिख लेना। हमने बहुत सारे स्कूल के प्री बोर्ड पेपर देखे भाई, मैक्सिमम स्कूल्स में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर वाले बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम इसको अच्छे से करना, ठीक है। ये नहीं करोगे भाई, रिग्रेट करोगे, पेपर में यही आएगा और फिर तुम जाकर करोगे, कर लिया भाई, टॉपर बनने से ना कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, तुम्हारे क्लास के लड़के सोचेंगे, टॉपर सोचेंगे, भैया ये पढ़ कहां से रहा, कैसे इसको सब पता चल रहा, कैसे इसके इतने नंबर आ रहे हैं, आज तक जो नहीं है। क्लियर वाली बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारे को एक लेटेस्ट पैटर्न का 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको ध्यान से देना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें बोरा सीबीएसई का क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट पैटर्न का 4 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर वाली बात है, इसमें तुम्हारा बोरा की एक केस स्टडी दे दी गई है, अब झरना वाला क्वेश्चन है, अब बोरा इसके जीरोस निकाल दो, अब इक्वेशन दिया जीरोस निकल जाएंगे, बोरा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड मैक्सिमम हाइट दिख रहा तुम्हें 2 मीटर वहां से निकल जाएगा, तो ये कुछ क्वेश्चन है, अब इसके आंसर मैं समझाऊंगा नहीं, इसके आंसर मैंने यहां पर दे दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर यहां पर मिल जाएंगे तुम्हें। क्लियर वाली बात, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है, आगे तुम्हारा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन से क्या आएगा भैया, लीनियर इक्वेशन से 8 मार्क्स का आएगा तुम्हारा, इससे सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा, एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल कंफर्म करा लो भाई, जेब में डालो, ये आने यार, कहां से आएगा, एनसीईआरटी से, मैक्सिमम चांसेस है कि एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल आएगा, बहुत सारे हमने पेपर्स देखे उसमें एनसीईआरटी से ही न्यूमेरिकल है, 6 सालों से एक्सपीरियंस है, बता रहा हूं क्या आएगा, पहला न्यूमेरिकल ध्यान से देखना, द कोच ऑफ क्रिकेट वाला न्यूमेरिकल तुम्हारा आएगा, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, छप गया 5 नंबर ना भाई, तुम अपने कंफर्म करा लो, इससे आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा, उससे अलावा कुछ नहीं आएगा, ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान देखना, ये लीडिंग लाइब्रेरी करके एक न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई वालों का फेवरेट है। क्लियर बात है, स्टेट बोर्ड में भी आता है ये, तुम्हारा क्या एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, ये दो न्यूमेरिकल मां भाई तुम्हारे 5 नंबर कंफर्म करा देंगे, छप गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये दोनों न्यूमेरिकल तुम सब कुछ छोड़ देना, ये दोनों न्यूमेरिकल मत छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर कंफर्म है। क्लियर वाली बात है, थोड़ा सा हम लोग आगे आएंगे, थोड़े से और न्यूमेरिकल हम लोग चेक करेंगे, एक और न्यूमेरिकल था सम ऑफ 2 डिजिट नंबर वाला एक न्यूमेरिकल है, जिसमें तुम्हारा एनसीईआरटी का ये भी एग्जांपल नंबर 10 है, जिसमें तुम्हारा 99 की जगह 66 दिया हुआ है, ठीक है, 99 लेटेस्ट सैंपल पेपर में डाला हुआ था, मतलब ये दोनों पेंडिंग क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए, एग्जांपल नंबर 10 एनसीईआरटी का लेना, ये बन जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, हर बार पेपर में भाई घूम फिर के पेपर में आता है, पिछले साल प्री बोर्ड के पेपर में आया, उससे साल पिछले साल प्री बोर्ड के पेपर आया, इसको तुम कर लेना, इसको मत छोड़ना है, ये भी 5 नंबर तुम्हारे कंफर्म करा देगा, मैं 4 गिन के दे रहा हूं, बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल, मैं 4 दे रहा हूं, उन्हीं में से पेपर छपेगा गारंटी के साथ, तुम 10 न्यूमेरिकल करोगे उसमें से कोई नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं, 4 करोगे उसमें से 2 आ
जाए एक आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा फायदा हो जाएगा। क्लियर वाली बात है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, एक लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन है कि टू प्लेसेस ए एंड बी, दो कार वाला क्वेश्चन, टू प्लेसेस ए एंड बी। अब ये जो कार वाला क्वेश्चन है, अब ये इसका आंसर मैं तुम्हें दिखा दूं, लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन है पांच नंबर का, ठीक है, जो सैंपल बना था। इसमें तुम्हारा क्या है, दो कार बोल रहा है, अपोजिट जा रही, सामने आ रही, तो उसका इक्वेशन बनाना, दो अलग अलग जा रही उसका इक्वेशन बनाना, दोनों का इक्वेशन सॉल्व करके तुम्हें क्या करना है, स्पीड निकाल देने की, ए और बी की स्पीड निकाल देने। ये तुम्हारा आंसर है, इसका देख सकते हो आंसर, ये इसका आंसर, अच्छे से सॉल्व करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने सॉल्व कर दिया, कार बना दिया, इसको तुम अगर बना कर पूरे के पूरे पांच नंबर मिल जाएगा, चांसेस हाई रहेंगे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आए। क्लियर वाली बात है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है कि लीनियर इक्वेशन, अब तुम्हारा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, अब दो चीजें होती है, इससे भी तुम्हारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेगा, पांच नंबर बन गए, एमसीक्यू टाइप बनेंगे, तीन नंबर वाले बनेंगे। कैसे बनेंगे, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाला। सबसे पहले कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कभी बोलेगा कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट मतलब वन आर इनफिनिट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। अब तुम ये टेबल देखोगे, आप टेबल से कंपेयर करोगे, a1 / a2 और b1 / b2 और c1 / c2 की वैल्यू कंपेयर करोगे, और तुम इस टेबल के अकॉर्डिंग तुम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बता रहे हो, तुम्हें होप तुम्हें आता होगा, इस तरीके से तुम्हें निकालना पड़ेगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट अच्छे से कर लेना, इसी से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर, लिख के गारंटी के साथ डंके की चोट पे, इतना अगर तुम कर लोगे लीनियर इक्वेशन में बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वालिटी के क्वेश्चन के श्योर क्वेश्चन पे। पहली चीज ये कि हमने अभी तक कितने क्वेश्चन किए, रियल नंबर में चार किए, पॉलिनोमियल में तीन किए, और तुम्हारे लीनियर इक्वेशन में चार न्यूमेरिकल, टोटल 11 क्वेश्चन किए, गिन के 30 दूंगा, 30 करने के बाद बिल्कुल तुम टॉपर बन जाओगे, मेरी इस बात की गारंटी, ठीक है। हम लोग आते हैं क्वालिटी के क्वेश्चन पे, इसमें तुम्हारा क्वालिटी के क्वेश्चन चैप्टर नंबर तुम्हारा 4, जिसमें तुम्हारा 7 नंबर के आसपास का प्री बोर्ड का पेपर आता है, जिसमें तुम्हारे इसमें भी तुम्हारे न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल ही आएंगे इसमें, पांच नंबर वाले न्यूमेरिकल तुम्हारे आएंगे, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आएगा पर सर, न्यूमेरिकल से पहले एक 3 नंबर वाला भी सवाल आता है, वो तुम देख लो, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच आर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे हैव टू इक्वल रूट। इक्वल रूट का मतलब क्या है कि d की वैल्यू 0 होगी, d की वैल्यू 0 होगी, इक्वल रूट का मतलब ये होता है। अब बोल रहा है कि k की वैल्यू पूछ रहा है, तो अब इसका b स्क्वायर माइनस 4 इसकी d निकाल, d की वैल्यू निकाल के 0 के बराबर पुट कर दो, ये आंसर तुम्हारा निकलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए ये तुम्हारे पेपर हर बार आता है, बोर्ड में और प्री बोर्ड में फेवरेट क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल के साथ साथ ये वाला आता ही, तो छप गया भाई तुम सवाल, गारंटी इसको तुम अच्छे से करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे तुम्हारा क्या, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या है कि डी की वैल्यू निकालने बोल रहा है, एंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रहेगा, तो तुम्हारा क्या होगा कि रियल और इक्वल रूट्स रहेंगे, ठीक है। क्लियर वाली बात है, इस तरीके से नेचर ऑफ रूट बता रहे, नेचर ऑफ रूट बुक में दिया हुआ, तो तुम अच्छे से कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक कॉटेज इंडस्ट्री, एक कॉटेज इंडस्ट्री का एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, कॉटेज इंडस्ट्री ध्यान रखना, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ये क्वेश्चन पांच नंबर कंफर्म है, तुम्हारे पेपर में छप गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इतना ट्रेंड में है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल, पर ये जो न्यूमेरिकल है 6 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2010 में अभी आया, मैं 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कॉपीज देख रहा हूँ, बोर्ड के पेपर देख रहा हूँ, प्री बोर्ड के पेपर, मुझे पता कौन से क्वेश्चन ट्रेंड में, ये क्वेश्चन छपने वाला है प्री बोर्ड में, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मोस्ट बड़ा पेपर में आएगा। क्लियर वाले, इसको तुम अच्छे से करना, नोट कर लो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे तुम्हारा क्या है कि अमिता बाई संबुक्स, ये तुम्हारा लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन है, अमिता बाई संबुक वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका तुम्हारा क्या, ट्रेन ट्रेवल्स वाला क्वेश्चन है, ट्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, इससे इसका इक्वेशन बनाया तुम्हें आना चाहिए, ट्रेन से रिलेटेड ये क्वेश्चन तुम कह लोगे, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, ये क्वेश्चन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेन से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्लियर वाली बात है, इसके आंसर मैंने यहां पर दे दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन 55 नंबर के आने वाले हैं, ये दोनों आंसर देख लो। क्लियर वाली बात है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे तुम्हारा क्या, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इससे तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन इससे बनेगा, केस बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर का बनेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, समझ ले छप गया पेपर में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कैसे आएगा। एक तुम्हारा क्वेश्चन दे दिया कि एक जूस सेलर वगैरह है, वो जूस को लेयर में रखता है, अब बोल रहा है एपी फाइंड करना है, जूस को लेयर में रखना है कितने जार में, अब बोल रहा है पॉसिबल है कि 34 जार, तो ये तुम्हारा आंसर है, मैंने यहां पर दे दिया कि किस तरीके से जूस को लेयर में लगाता है, क्या पॉसिबल है, सम निकालने बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि अब एपी को एपी में 3-3 जार ऐड कर दिया, उसको पलटने बोल रहा है, सारे क्वेश्चन मैंने इसका आंसर तुम्हें दे दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जार किस तरीके से सजाती है, ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम इसको कर लेना, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन और ये रहा तुम्हारा आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, सैंपल और छपा इसको तुम अच्छे से कर लेना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, और ये नहीं बनेगा तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है, टीवी मैन्युफैक्चरर, टीवी मैन्युफैक्चरर एनसीईआरटी एग्जांपल में से मोस्ट इंपॉर्टेंट छप गया, एक ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी में तुम्हारा, यही तुम्हारे टीचर उठाएंगे, डायरेक्ट पेपर में देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इसको तुम अच्छे से करना, गलती से मिस मत करना, बिल्कुल इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, पहले बोलेगा सम निकाल दो, अब बोल रहा है कि फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, तो A1 की वैल्यू पूछ रहा है इसमें, ठीक है, अब वो उसके बोल रहा है टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, S7 पूछ रहा, सम और A पूछेगा बस, ठीक है। अब प्रोडक्शन इन 10th ईयर द प्रोडक्शन, अब A10 की वैल्यू पूछ रहा, A और S की वैल्यू पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, उसमें वही था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इसको तुम कर लेना, कुछ फॉर्मूला लगते हैं, हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या,
The first term of an AP is 5 and last term is 45. Last term 45 है, ठीक है? And the sum of and the sum is 400. Four sum बता रहा. Find the number of terms and common difference. Number of term n पूछ रहा है. ये type के question most important. भाई सब छप गया. Last term के question teachers को पता रहते हैं, बच्चों को नहीं आते बनाने. Last term वाले ये formula रहता last term का. ये formula याद करो. ये question तुम्हें बनाने आने चाहिए. जितने last term वाले question है most important paper में आते ही आते हैं. Most important question है भाई, इससे बाहर paper नहीं आएगा. इसके बाहर कुछ और भी AP में extra question है, मैं इस video में सारे cover नहीं कर सकता इस video में. ये video इसका link में discussion class 10 बोर्ड पेपर 2,00,000 बच्चों ने 15 दिन हुए वीडियो को आए हुए 2,00,000 बच्चों ने इनको देख लिया ऑलरेडी. सबका पेपर इनसे छप रहा है. तुम्हें थोड़ा डिटेल में चाहिए, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा तुम इसको करो. थोड़ा सा टाइम है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा. इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे रहा हूं. इस वीडियो को तुम्हें एक बार जाकर देख लेना. ये चैनल पर तुम्हें मिलेगा. 2,00,000 बच्चों ने देखा, 15 दिन हुए. इसमें डिटेल में मैंने बता रखा है. यहां पर तुमने 4 क्वेश्चन गिन के दिए, वहां 10 से 12 क्वेश्चन दिए. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हें दे दिए, वो तुम लगा लोगे ना भाई 80 में 80 ना. तुम्हारे स्कूल का कोई टॉपर हो जाए, कोई भी हो जाए, हिला नहीं पाएगा ये वीडियो अगर तुम कर लो. गारंटी के साथ बता रहा हूं, ठीक है? इतना कर लोगे 70 कंफर्म, इसको कर लोगे 80 कंफर्म. तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी कर लेना. नहीं तो तुम यहां पर भी क्लिक करके देख सकते हो. ये वीडियो का लिंक मैं यहां पर दे दूंगा, यहां पर तुम क्लिक करके देख सकते हो. इस वीडियो को यहां पर मैं दे दूंगा, मैथ्स पेपर लीक का वीडियो, तुम यहां पर क्लिक करके इसको देख सकते हो. क्लियर वाली बात है. तो ये तुम्हारा हो जाएगा, यहां में एपी हमारा खत्म होता है, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ेंगे. आगे तुम्हारा क्या कि ट्रायंगल से रिलेटेड. अब ट्रायंगल में तुम्हारा क्या क्या आएगा? सबसे पहले ट्रायंगल में तुम्हारा 10 नंबर का पेपर आने वाला, 10 नंबर का पेपर इससे आएगा, ठीक है? 10 नंबर का पेपर आएगा. देखो यहां पर मिस टाइपिंग थी. 10 नंबर का पेपर आएगा. इन 10 नंबर के पेपर में तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारा आएगा थ्योरम 6.1. थ्योरम 6.1 तुम्हारा बीपीडी थ्योरम, इसकी प्रूविंग आएगी. इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. ये तुम्हारा थ्योरम ना छप गया तुम्हारा प्री बोर्ड में तो आएगा भाई. इसकी प्रूविंग बोर्ड एग्जाम में भी आएगी. बोर्ड एग्जाम में ना 5 नंबर ना बच्चे कंफर्म करा जाता. पिछले साल मैंने बोला था कि 5 नंबर का आएगा, बच्चे कंफर्म करा. ये थ्योरम रट लिया था और चले कले कले करके सारे के सारे बच्चों के कंफर्म हो गए थे 5 नंबर. बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का ही डायरेक्ट आएगा. तो स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के पेपर में. तो मैं तुम्हें अभी डंके की चोट पे बोल रहा, प्री बोर्ड में आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा. कहां से प्रूविंग करोगे? एनसीईआरटी के पेज नंबर 80 में इसकी प्रूविंग दी हुई. इसको प्रूविंग तुम कर लेना, इस टाइप का एक फिगर बनेगा तुम्हारा. इसको तुम प्रूविंग कर लेना, ट्रायंगल का फिगर बनेगा, प्रूविंग कर लो. मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई 5 नंबर कंफर्म करा लो, छप गया तुम्हारे पेपर में, गारंटी के साथ बता रहा हूं. दूसरी चीज तुम्हारी क्या आएगी? अब तुम्हारा क्या ये क्वेश्चन, इफ एडी एंड पीएम are the medians of triangle ABCD and PQR respectively. अब तुम्हें प्रूफ करने बोल रहा है कि ABC is similar to triangle PQR. Prove that AB by PQ and AD by PM. ये जो चीज़ है, AB by PQ and AD by PM, most important भाई छप गया तुम्हारे पेपर में. ये ना ऐसा होने, प्री बोर्ड का फेवरेट है, प्री बोर्ड में फेवरेट है भाई ये क्वेश्चन 100% गारंटी. क्योंकि प्री बोर्ड वाले ना बाहर से पेपर नहीं बनाएंगे, वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन निकालेंगे. ट्रायंगल में भी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में आने गाना. इसको तुम कर लेना. एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है, थोड़ा हाई लेवल का अच्छा क्वेश्चन है. पेपर में आने जाना ना है ना, ऐसा हो नहीं सकता. तुम भले इसको रट के चल जाओ, सेम वैल्यूज के साथ ये क्वेश्चन छपा हुआ नजर आएगा. मेरा नाम याद करोगे, भैया ने बता दिया. क्लियर वाली बात है. ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे. आगे तुम्हारा एक एमसीक्यू आता है, इसको मैं गिनती नहीं करूंगा. क्वेश्चन में दो ट्रायंगल को सिमिलर बता रहा है. अब बोला है कि तुम्हारा 3AB is equal to PQ है, डिस्टेंस सेंटर है, तुम्हें रेशियो ऑफ साइड्स निकाल देने इन दोनों के, और आंसर तुम्हारा 15 सेंटीमीटर होगा. इस टाइप के एमसीक्यू तुम्हारे आते हैं. रेशियो ऑफ साइड्स क्या आते हैं, मैंने तो बता रखा है लॉन्ग पेपर लिख वाली मैथ्स वीडियो, मैथ्स पेपर लिख वाली लॉन्ग वीडियो में, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है? ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट कुछ चीज है. अब तुम्हारा नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट तुम्हारा आता है ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल नंबर 3 तुम्हारा आता है कि पीएस बाय एसक्यू और पीटी बाय पीटीआर. भाई साहब छप गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर पूरे मुझे बोलेगा एनसीईआरटी बुक में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल निकाल के दिखा लो, उनमें से एक एग्जांपल ये होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई बोर्ड में आता है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है. इसको तुम अच्छे से कर लेना, प्री बोर्ड में भी आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा. क्लियर वाली बात है. प्री बोर्ड में तो आने ही आना, ये क्वेश्चन मैक्सिमम प्री बोर्ड में आ जाता है, ठीक है? हम लोग आगे बात करें. आगे तुम्हारा क्या कि अब तुम्हारा एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि एबीसी और पीएम कुछ चीजें निकालने दिए, कुछ सिमिलर प्रूफ करने बोला. ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है. ये फिगर तुम्हारा रहेगा, याद रखना, प्री बोर्ड पेपर में छपने वाला है. प्री बोर्ड के पेपर में हमेशा आता है, जनरली पेपर में ये देखा जाता है. ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं. 5 नंबर का ये क्वेश्चन भी कंफर्म है तुम्हारा. क्लियर वाली बात है. ट्रायंगल्स थोड़े ज्यादा क्वेश्चन मैंने दे दिए, 5 क्वेश्चन के आसपास दे दिए, लेकिन ट्रायंगल अभी तो 10 मार्क्स का रहा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ेंगे. आगे तुम्हारा क्या फिट ट्रायंगल से एक तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. ये सीबीएसई के सामने जो छपा हुआ है, तो ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आएगा भैया. ये तुम्हारा कुछ चीजें दे दी गई. अब बोल रहा है कि यहां पर बोल रहा सो अब तुम्हें प्रूफ करने बोल रहा है कि डीपीक्यू सिमिलर टू डीईएफ. इस टाइप की प्रूविंग दी हुई है, पेरीमीटर दिया हुआ, तुम्हें बोल रहा है रेशियो ऑफ साइड्स बराबर का. इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारा. ये लेटेस्ट पेपर क्वेश्चन है, अच्छे से करना इसको. डायरेक्ट आएगा पेपर में, इसका सोल्यूशन में दे रहा हूं, रियल लाइफ बेस्ड वाला है. इसका सलूशन मैंने यहाँ पर दिया. मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा. इतना अगर तुम कर लोगे बिल्कुल ट्रायंगल ट्रायंगल में बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे. इससे बाहर पेपर नहीं आने वाला. क्लियर वाली बात है, ठीक है? हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर. अब हम लोग आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो पेपर में छपने वाले. तुम्हारा पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट दिया और डिवाइड अ लाइन, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना.
इन अ सर्टेन फाइंड द रेशियो। अब पहले तो तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया रहता है कि पॉइंट डिवाइड करती है या लाइन सेगमेंट डिवाइड करती है। अब लाइन की इक्वेशन तुम्हें दी हुई है, अब इसमें तुम्हें के रेशियो वन करके तुम आराम से इसको निकाल सकते हो। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी थोड़ा परे है, मतलब एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन कम दिए हुए, तो इस टाइप के तुम क्वेश्चन निकालो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर का फेवरेट है, क्वालिटी के क्वेश्चन की जब भी बात आती है तुम्हारा ये क्या बोलता है, तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमेशा ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रेफर रहता है हमेशा, क्योंकि जनरली सारे बच्चों से ये नहीं बनता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे पेपर में छपने वाला, तीन नंबर का, ध्यान रखना। अगर तुम इसको बना लो अपने क्लास के टॉपर से आगे निकल जाओ, क्लियर वाली बात है। मोस्ट तुम कर लेना, सॉल्यूशन मैंने दे दिया। उसके बाद तुम्हारा क्या दे, फाइंड द रेशियो एट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा लाइन सेगमेंट को, या तुम्हें बोले एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, या तो बोलेगा वाई एक्सिस डिवाइड कर। क्लियर बात है। जॉइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट दिए हुए, वो रहा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, पॉइंट कौन से है तुम्हारा, कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। तो ये तुम निकालोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तुम्हारा निकलेगा, ठीक है। मोस्ट इससे तुम्हारा ये क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में, हमेशा आएगा। ये तो तुम्हारा वाई एक्सिस बोलेगा, ये दो पॉइंट दे दीजिएगा, बोलेगा पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर बात है, तुम इसको देख लेना। हम लोग आगे बढ़े, आगे तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्या टाइप का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, समझ रहे हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ तुम्हारा क्या होता है, यहाँ तुम्हें बता देगा कि दो फ्रेंड्स भाग रहे हैं रेस में, एक एडिशन 1/4 है, एक एडिशन 1/5 है, 1/5 ऑफ 100 है। तो यहाँ तुम नाप सकते हो कि 1/5 100 क्या 25 होता है और 1/5 20 होता है। अब बोलेगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, दोनों फ्लैग डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों का डिस्टेंस निकालो, पॉइंट्स पता, डिस्टेंस फॉर्मूला निकल जाएगा। अब बोला इसका मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिड पॉइंट भी निकाल देगा तुम। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर एक तीसरा दोस्त जो है कि तुम्हारा सी, अब तुम बोल रहा है कि ए बी सी और इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करे, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि तुम्हारा की मान के चलो ये ए है, ये बी है, तो AC और BC की डिस्टेंस बराबर होगी, ये वाला बराबर नहीं रहेगी। क्लियर वाली बात है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेगा मतलब तीनों बराबर रहेंगे। तो क्योंकि बोलता है ट्रायंगल फॉर्म करा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें निकाल लेना, डिस्टेंस फॉर्मूला और तुम्हारा ये सेक्शन फॉर्मूला और तुम्हारा मिड फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूला क्वेश्चन बनेगा, चौथा नहीं बनेगा। ग्राफ से डराने की कोशिश करना, चार नंबर का क्वेश्चन अच्छे से करना, ये ग्राफ जनरली पेपर में छप जाता है, जनरली यही ग्राफ छपता है, इधर उधर कभी छपा तो तुम कर लोगे आराम से, ठीक है। क्लियर वाली बात, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। उसका तुम्हारा क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सो दैट द पॉइंट्स इतना 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 और द वर्टिसिटीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, दो साइड तुम्हारे इक्वल रहेंगे, तीसरा इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हें दिखा देना है कि ए बी और बी सी इक्वल है, एसी इक्वल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में जनरली आता है, जनरली प्री बोर्ड के पेपर में आता है, इसको तुम अच्छे से कर लेना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री से बच्चों को बहुत डर लगता है, भैया क्या करना है, महारत हासिल करा दूंगा, तीन क्वेश्चन में महारत हासिल करा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री में, गारंटी के साथ बता रहा हूं, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। क्या आएगा भैया, सात नंबर का टोटल पेपर आता है। अब इसमें तुम्हारा क्या है, इवेलुएट छप गया भाई, 110% 200% गारंटी लगे। तुम पेपर देख के आना और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि भैया आया कि नहीं आया, हाफ ईयरली बोला था छपा था, प्री बोर्ड में बोला था छपेगा, बोर्ड एग्जाम में भी छपेगा, इससे क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन इवेलुएट करने के लिए ये टेबल तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तुमने याद कर लिया, पूरा टेबल याद हो जाएगा, किसी भी तरीके से याद करो और बस वैल्यू पुट करके तुम्हें आंसर निकालना। ये वाला क्वेश्चन जा रहा था, एनसीईआरटी का 5 नंबर पार्ट है, ये 5 नंबर पार्ट है एनसीईआरटी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि तुम्हारा इफ 10a + b = √3, 10a - b = 1/√3, अब तुम्हारे वैल्यू ऑफ a एंड b निकाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी टेबल वाला क्वेश्चन, मोस्ट में छप गया। ये कितनी बार आया ना भाई सीबीएसई की स्ट्रीम, मुझे पता नहीं, अगर अभी तक 30 साल से पेपर होना सीबीएसई में, 30 में से 25 साल ये लगातार आया प्री बोर्ड में और बोर्ड एग्जाम में, मैं कह नहीं सकता इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या, अब कुछ आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन, आइडेंटिटी वाला तुम्हारा एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 2, 3 और क्वेश्चन पार्ट 9, ये चार पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तुम कर लेना बिल्कुल, तुम किंग हो, डायरेक्ट आते हैं पेपर में, डायरेक्ट आते हैं पार्ट 1, 2, 3 और 9। ये मैंने बहुत दिनों की रिसर्च के बाद पता कि डायरेक्ट ये पेपर में डायरेक्ट आते हैं, ये चार पार्ट कर लेना कंफर्म, एक तुम्हें डायरेक्ट नजर आएगा, डायरेक्ट नजर आएगा, घुमा के मैंने डायरेक्ट नजर आएगा पेपर, इनको तुम कर लेना, कहां मारा था चलो, ये किंग बन जाओगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये टेबल याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे पेपर आएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इससे तुम्हारा क्या है, डाइट बता दो, हाइट एंड डिस्टेंस से 5 नंबर का क्वेश्चन डाइट आने वाला है। 5 नंबर में क्या आएगा, ए बॉय, अब बॉय आई लेवल एनसीईआरटी में गल दिया था, यहाँ पर बॉय कर दिया, बस कुछ नहीं, वो गुब्बारा को देख रही थी। एनसीईआरटी एक्साइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ गल दिया था, बस तुम वो क्वेश्चन कर लेना, 5 नंबर का वही क्वेश्चन है, बिल्कुल कन्फर्म है 5 नंबर, कोई रोक नहीं सकता। इसका आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया, तुम आराम से इसका आंसर देख सकते, वही वाला क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी वाला। क्लियर बात है, सैंपल उन्होंने छपा हुआ। दूसरी चीज तुम्हारी क्या है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 9 मीटर हाई बिल्डिंग, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन तुम कर लोगे, बिल्कुल तुम किंग बन जाओगे, बिल्कुल किंग बन जाओ, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, बिल्कुल किंग बन जाओगे भाई, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। एक और पेपर आ सकता है, कभी कभी आता है, एक सीप वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में, वो कभी कभी आता है, तो वो भी तुम कर सकते हो। बाकी ये दो तुम कर लिए, बिल्कुल किंग, इससे बाहर नहीं आने वाला, इस साल के नहीं आने वाला, ये दो कर लोगे, इसका आंसर मैंने दे दिया, 5 नंबर का कंफर्म करा दिया भाई, इसको तुम रट लेना, एकदम घोट लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर वाली बात है, इसको तुम कर लोगे, किंग बन जाओगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे तुम्हारा क्या है, सर्कल, सर्कल तुम्हारा 8 मार्क्स का आएगा, चैप्टर छोटा, ज्यादा नंबर का आ रहा है तुम्हारा। सबसे पहले प्रूव डेट द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सफर सर्कल आर इक्वल, 10.2 थ्योरम, भाई सब छप गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप गया भाई, पेपर में ही ना आए ना तब तुम मेरे को बताना, ये थ्योरम पहले तुम्हारा बीपीटी थ्योरम 6.1 और दूसरा 10.2 वाला टेंजेंट थ्योरम छपने वाला रहता भाई, दो ही थ्योरम है पूरी बुक में जो पेपर में आते हैं, और कोई थ्योरम नहीं आता पेपर में, गारंटी के साथ, बुक में बहुत सारे थ्योरम भरे हुए, दो ही पेपर में आते हैं और कोई नहीं आता। क्लियर वाली बात है,
अब ये तुम्हारा क्या है एनसीईआरटी के पेज नंबर 149 में तुम्हें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, पूरा थ्योरम की प्रूविंग मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें बोल रहा है यूजिंग द अबव रिजल्ट फाइंड बीसी इन ट्रायंगल एबीसी, अब बीसी खोजने बोल रहा है, क्लियर वाली बात है। अब तुम्हें पता है दो टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ये 7 तुम्हें दिया तो ये भी 7 होगा, ये 5 दिया ये भी 5 दिया, ये पूरा 10 दिया हुआ है, तो ये पूरा 10 दिया हुआ मतलब ये 7 है तो ये 3 होगा, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अभी इनको खोज के तुम आराम से बीसी निकाल दोगे। आंसर दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है सर्कल से छपने वाला भाई प्रूविंग, और ये मिला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तुम अच्छे से कर लेना, अच्छा सोल्यूशन कर लेना, मोस्ट भाई पेपर में छप जाएगा, प्री बोर्ड में डायरेक्ट आगे 5 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो जाएगा, मेरा नाम याद करोगे, ठीक है। उसके बाद आगे तुम्हारा क्या है कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला क्वेश्चन, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब छप गया, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ये सीबीएसई वाले डराने के लिए देते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब तुम्हारा एक के ऊपर दूसरा सर्कल रहेगा, बोले एक सर्कल एक का रेडियस का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, दूसरा का 3 सेंटीमीटर, अब बोलेगा इसका चौड़ बता, चौड़ का मतलब ये वाला, तो ये 5 है ये 3 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा ये 4 हो जाएगा, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, दोनों 4 है तुम्हारे 4 मिला के 8 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा इस टाइप का सर्कल वाला क्वेश्चन आता है। दूसरा इससे तुम्हारे एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू तुम्हारे क्या आते हैं ये एक एंगल खोज दो, एंगल खोज दो सर्कल से एमसीक्यू आते हैं, ये एंगल तुम्हारा 110 डिग्री है तो बोलेगा ये एंगल बता दो, तो 110 डिग्री ये 90 था, ये बच्चा 20 और ये तुम्हारा क्या है ये 20 है ये 20 है तो ये तुम्हारा 140 हो जाएगा, तो ये 140 डिग्री हो, इस टाइप से तुम्हें एंगल खोजने के क्वेश्चन आएंगे। ये वाला आएगा ये क्योंकि लेटेस्ट पेपर क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंगल खोजने आएगा, डरना नहीं है, एंगल समझ जाना है कि हाँ ये वाला 90 है, बस तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि जब कभी टेंजेंट पार होगा तो वो 90 डिग्री से पार होगा, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए, इससे तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्लियर वाली बात है। और ट्रायंगल का सम 180 होता है, बस यही दो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, निकल जाएगा, क्लियर वाली बात है, एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2, एनसीईआरटी में सर्कल का एग्जांपल नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको तुम अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैंने यहां पर डाला नहीं, बुक खोल के तुम देख लेना, मोस्ट एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, इतना तुम कर लो किंग बन जाओगे, ठीक है। हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा एरिया रिलेटेड सर्कल, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर और क्वेश्चन सर, डायरेक्ट 5 नंबर वाला आता है, क्या आता है 6 नंबर का टोटल क्वेश्चन आएगा, एक एमसीक्यू बन सकता है, क्या आएगा फाइंड करने आएगा तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आएगा या एरिया ऑफ सेगमेंट खोजने आएगा या लेंथ ऑफ आर्क खोजने आएगा, तीसरी चीज तुम्हारी खोजने नहीं आएगी, गारंटी के साथ बता रहा हूं भाई, 5 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट छपेगा, क्या छपेगा डायरेक्ट बता रहा हूं, सिर्फ तुम्हें फाइंड करने आएगा। इसमें तुम्हारा दिया हुआ था पेरीमीटर ऑफ सेक्टर एंगल ओएबीसी, पेरीमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, पेरीमीटर और रेडियस दिया हुआ है, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो तो फॉर्मूला होता है वो पेरीमीटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कि तुम्हारा दोनों रेडियस हो जाएगा और लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ आर्क वाले फॉर्मूले से पेरीमीटर निकाल लोगे, क्लियर हो जाएगा, मतलब थीटा निकालोगे तुम आराम से, ठीक है, पहले थीटा पूरा फाइंड द सेंट्रल एंगल थीटा खोजने पूरा, थीटा निकल जाएगा, उसका तुम्हारा क्या है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला पता है, पुट करके डायरेक्ट निकालो, 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, 5 नंबर सीधा आ गए गारंटी के साथ, इतना तुम कर लोगे भाई यही 3 चीजें आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। पेरीमीटर बोला गया, पेरीमीटर का मतलब समझ लो तीनों का तुम्हारा लेंथ, दोनों रेडियस मिला के और तुम्हारा लेंथ ऑफ आर्क, तो ये तुम्हारा निकल गया पेरीमीटर, ये थोड़ा अलग टाइप का इसलिए दिखाया, बाकी तुम्हारा आएगा सेक्टर मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट जाना कोई नहीं आता, ठीक है, माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनर सेगमेंट ये सारा तुम्हारा ज्यादा आता है, तुम ध्यान रखना 5 नंबर कंफर्म करा देगा लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या अब एक क्लॉक वाला क्वेश्चन भी इससे आता कभी कभार, जिससे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वॉल क्लॉक तुम्हारा दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि तुम्हारा 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है और तुम्हारा 35 मिनट एरिया सर्कमस्क्राइब करता है, ठीक है, अब बोल रहा है कि 60 मिनट में 360 डिग्री होता है, 1 मिनट में 6 डिग्री घसकेगा, तो 35 मिनट में कितना डिग्री घसेगा 210 डिग्री, अब पूछ रहा है रेडियस इतना है, अब एरिया ऑफ सेक्टर तुम निकालोगे आराम से, जितना घसकेगा उतना एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, थीटा पता है 210 डिग्री, पुट करके एरिया ऑफ सेक्टर तुम निकालो, कितना एरिया स्वाइप करा इसने वो तुम बता रहे हो, ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लॉक वाला आता है, मैं तुम्हें इसलिए दे दिया, तुम कर लेना भाई पेपर में डायरेक्ट प्री बोर्ड मैनर, क्लियर वाली बात है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या गुलाब जामुन, अब तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ध्यान रखना भाई तुम अपना बड़ा भाई समझते हो, ध्यान रखना, मैं तुम्हें गलत नहीं बोलूंगा, पिछले 4 से 5 सालों से मैं बच्चों को लगातार बता रहा हूं, ये गुलाब जामुन वाला एक क्वेश्चन है, उसका एक कैप्सूल वाला क्वेश्चन है और तीसरा टेंट वाला, ये 3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भाई, महारत है, हीरा है ये हीरा, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा वॉल्यूम सरफेस एरिया जब भी क्वेश्चन बनेगा तो मेरे साथ गारंटी ले लो भाई, तुम्हारा यही 3 क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, और अगर बना के दे दिया बना के दे दिया ध्यान देना, कभी अगर क्वेश्चन स्कूल वाला बना के देगा तुम्हारा सिलेंडर रहेगा, उसमें सिलेंडर रहेगा या तो कौन रहेगा सिलेंडर के साथ, या तो कौन रहेगा या तो हेमिस्फेयर रहेगा, दूसरी चीज कोई नहीं रहेगा, या तो हेमिस्फेयर रहेगा या कौन रहेगा सिलेंडर रहेगा, ये 3 शेप रहेंगे, इनके फॉर्मूला याद करो, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, मैं डंके की चोट पे अभी बोल रहा हूं, इन 3 फॉर्मूला का बाहर पेपर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन तुम मोस्ट 5-5 नंबर का याद कर लेना, पहला तुम्हारा गुलाब जामुन वाला, पहला गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन जो तुम्हारा एनसीईआरटी का 12 एक्सरसाइज 12.2 का तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है पहला क्वेश्चन, दूसरा तुम्हारा क्या मेडिसिन कैप्सूल वाला एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, और तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा टेंट वाला जो 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 3 क्वेश्चन है भाई मोस्ट भाई, 3 क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे महारत हासिल हो गई, कुछ नहीं करना, ये 3 क्वेश्चन कर लो बस, ठीक है। उसका लेटेस्ट फ्रेंड के हिसाब से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ध्यान से देखना, ये तुम्हारा रॉकेट वाला एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना, ये रॉकेट नहीं क्या बोलता है सीलो वाला, जो तुम्हारा क्या बोलता है धान वगैरह रखते हैं जिसमें किसान जिसमें अनाज रखता है उसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा बोरा की एक सीलो वगैरह जिसका लेंथ वगैरह दिया, बोरा कैलकुलेटर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे, उसके बाद तुम्हारा फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ को निकल, अब सीएसए पूछ रहा था यही सीएसए स्लैंट हाइट, उसके बाद तुम्हारा बोरा मेटल की कॉस्ट पूछ रहा था, अब तुम सीएसए निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट से, फाइंड टोटल कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम पूछ रहा भाई, यही वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया लेटर सर्वे, बस यही पूछता है इतना कर लोगे
किंग बन जाओगे। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे दिया। ये मोस्ट ये पेपर में डायरेक्ट आना भाई, इसको तुम रट लेना भाई, लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आ जाएगा, सेम आ जाएगा पेपर में, गारंटी के साथ बता रहा हूं, ठीक है। इसका तुम किंग बन जाओगे। आगे बढ़ते आगे तुम्हारा क्या है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में क्या आएगा भैया, मीन मीडियन मोड, ये तीन चीज निकालना। मीन निकालने आएगा, मीन तुम्हारा स्टेप डेविएशन, एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, ये तीन चीज आएगा, चौथी चीज क्या आएगा पहला तुम्हारा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग, मीन निकालने तुम्हारा आएगा फॉलोइंग डाटा, पहले पांच नंबर का इससे मीन निकाल, गारंटी के साथ तुम्हें मीन निकालने आएगा, मीन निकालने हमेशा आता है पेपर में, ठीक है। उसके तुम्हारा ये फॉर्मूला जो थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन, इस फॉर्मूला तुम्हारे एमसीक्यू बनेंगे, ध्यान रखना इस फॉर्मूला से एमसीक्यू बोलेगा फॉर्मूला कौन सा सही है, तीन टाइप के फॉर्मूला लिख देगा, टू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन, मोड प्लस टू मीन, ठीक है, प्लस टू मीन, ठीक है, मोड प्लस टू मीन है, थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे पेपर बनेगा, ठीक है। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि मीडियन निकालने आएगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा ये क्वेश्चन मोस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, मोस्ट भाई ये क्वेश्चन छप गया 100% कंफर्म, ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता, कोई रोक नहीं सकता, सैंपल वगैरह छपा हुआ, मिल्क वाला क्वेश्चन, इधर मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मिल्क ऑफ 200 फैमिलीज इन हाउसिंग सोसाइटी गिवन बिलो। अब दूसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड द मीन एक्सपेंडिचर। अब 200 फैमिलीज दिया हुआ, टोटल का सम तुम्हारा 200 होगा, तो एक्स की वैल्यू तुम निकालोगे, तो यहां से तुम निकालोगे आराम से। उसके बाद तुम्हारी दो चीजें और आती है एमसीक्यू के फॉर्मेट में, ध्यान रखना क्या क्या आती है। पहला तुम्हारा मॉडल क्लास निकालना, जिसको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट। दूसरा तुम्हारा मीडियन क्लास निकालने आएगा, जो तुम्हारा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी एन लास्ट नंबर को एन बाय टू को डिवाइड करते हैं और उसके सबसे ग्रेटर सीएफ निकालते थे, ग्रेटर सीएफ की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालते, वही तुम्हारा एन बाय टू वाला वैल्यू, एन बाय टू वाला वैल्यू जो तुम्हारा आता था, वही वाला तुम्हारा आता है मीडियन क्लास तुम्हें निकालना, जनरली मीडियन क्लास निकालने आता है, मीडियन क्लास से एमसीक्यू आएगा, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा मीडियन क्लास एमसीक्यू, पहले तुम्हारा मीन निकालने आएगा, या तो तुम्हें बोलेगा मीन निकाल दो, मीडियन निकाल दो, ये तुम्हें पूछ लेगा, या तो जनरली मीन पूछेगा, मोड भी कभी कभी पूछ लेता, मीन और मीडियन, मोड और मीडियन निकालने तुम्हें आना चाहिए, और मीन के तीनों फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए, तीनों स्टेप डेविएशन, अज्यूम मीन और तुम्हारा डायरेक्ट मेथड, तीनों आना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना तुम कर लोगे और यहां मीडियन क्लास, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर तुम्हारा क्या लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, या प्रोबेबिलिटी तुम्हारा एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा जो 6 नंबर का आएगा, इसमें तुम्हारा क्या क्या आने वाला है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है जो तुम्हें वाल्क करते हैं, अब तुम्हें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि 200 है, वाल्क कितना करते हैं, बाइसिकल से इतना जाते हैं, बस से इतना जाते हैं। अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमनेस, वो डू नॉट प्रेफर टू वाल्क, डू नॉट प्रेफर, डू नॉट, ये सारे वर्ड ध्यान रखना, वाल्क करना प्रेफर नहीं करते, ये तुम्हें मैंने आंसर दे दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने तुम्हें आंसर दे दिया, सारे आंसर दे दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तुम कर लेना मोस्ट में डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी ज्यादा मुश्किल नहीं, आराम से कर लोगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज, उसके अलावा क्या क्या था प्रोबेबिलिटी, एग्जांपल नंबर 2 आएगा तुम्हारा कि बैग कंटेन बॉल, रेड बॉल, बॉल वाला क्वेश्चन आता है, रेड बॉल ब्लू बॉल ये वाला क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 2 कर लेना भाई, बॉल वाला क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन तुम्हारा क्या आता ध्यान देना, कार्ड ड्रॉन, अब तुम्हारा 52 का प्लेइंग कार्ड्स रहता है, उसके कार्ड ड्रॉन कर लिया जाता है, उसको ये कार्ड ड्रॉन वाला क्वेश्चन कि एस का क्या, एक का क्या प्रोबेबिलिटी है, नॉट एस की क्या प्रोबेबिलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तुम अच्छे से करना, लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या कि डाइज वाला ये भी लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, तुम्हारा सैंपल वगैरह छपा हो, ये तुम्हारा क्या, टू डाइज आर रोल टुगेदर, अब दो डाइज को रोल किया जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर और बिटवीन इज ऑड नंबर, ऑड नंबर तुम्हारा कौन कौन, ये तुम्हारा सॉल्यूशन तुम्हारा दिया हो कि ऑड नंबर कौन सा, जब भी तुम्हारा ऑड से ऑड मल्टीप्लाई होगा तो ऑड ही बनेगा, ऑड से इवन मल्टीप्लाई होगा तो इवन बन जाएगा, तो ऑड से ऑड मल्टीप्लाई कहां कहां, ये तुम्हें निकाल के आराम से निकाल लेना, इतना अगर तुम कर लोगे इस चैप्टर में तुम्हें महा सा, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, तीन चीजें तुम्हारा पहला बॉल्स प्लेइंग कार्ड और तुम्हारा डाइस, ये तीन चीजें क्वेश्चन में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इतना तुम कर लोगे 70-80 कन्फर्म होगा तुम्हारे, 70 मार्क्स तुम्हारे कन्फर्म हो जाएगा, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। और तुम्हें साइंस की श्योर 20 क्वेश्चन देखनी है, जब आएगा तो मैं यहां डाल दूंगा, तुम यहां क्लिक करके देख सकते हो, साइंस की श्योर 20 क्वेश्चन तुम यहां क्लिक करके देख सकते हो, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।